आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इस तरीके के थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। फिर सर्च में जाके आपको लिखना है brush.png। सर्च करने के बाद आप इमेजेस में जाइए और इसमें से कोई एक इमेज को डाउनलोड कर लीजिए जो मैं बताता हूँ। तो आप इस वाली इमेज पर होल्ड कीजिएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए इस वाली इमेज को। उसके बाद आप फिर से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और सर्च बार में जाके टाइप कीजिए नोवा वॉलपेपर। सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट्स है आपको उस थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद वॉलपेपर पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे। जिस थीम से आपके वीडियो के थीम से जो वॉलपेपर मैच करता हो वो वॉलपेपर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मेरा स्काई ब्लॉक, अगर मैं स्काई ब्लॉक का वीडियो है तो मैं यहाँ पे स्काई ब्लॉक वाला थंबनेल पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज स्किन पे क्लिक करना है। चूज स्किन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको स्किन मिलेंगे। जो सा भी स्किन आपको अच्छा लगे वो वाले स्किन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला स्किन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। इमेज को डाउनलोड कर लेने के बाद आप बैकग्राउंड इरेजर ओपन कीजिए और जो फोटो हमने गूगल से डाउनलोड किया है उस पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ऑटो पे जाके इसका बैकग्राउंड इरेज कर दीजिए और इसे सेव टू गैलरी कर दीजिए। गैलरी में सेव करने के बाद आप अपना पिक्सल ऐप ओपन कीजिए। पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद आप बीच वाला टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए और प्लस के आइकन पर जाकर फ्रॉम गैलरी से जो बैकग्राउंड हमने इरेज किया है brush.png का उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड उसे बिग कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड फिर से प्लस के बटन पर टिपेंगे और यहाँ पे फिर से brush.png ले आएंगे यहाँ पे एंड इस बार इसको स्मॉल करके इसके नीचे लगा देंगे। उसके बाद फिर प्लस के आइकॉन पर जाके फ्रॉम गैलरी से इसी इमेज को फिर एक बार लाएंगे एंड इमेज को लाने के बाद इस बार भी इसे स्ट्रेच कर लेंगे थोड़ा सा एंड यहाँ पे हम लोग लेयर वाले यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन पर जाएंगे और इस जो इसका कलर है वो रेड कर देंगे एंड उसके बाद फिर इसे यहाँ पे सेट करेंगे। जिस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ ऐसे आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप प्लस के आइकॉन पर जाके फ्रॉम गैलरी से फिर एक बार इस png को ले आइए
एंड इस बार इसे स्मॉल कर लेंगे हम लोग एंड यहाँ पर लगा देंगे और इसका बैकग्राउंड इसको येलो कर देंगे एंड इसको भी यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर जाके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद कार्ड वाले ऑप्शन पर जाके सेव टू गैलरी कर देंगे इस इमेज को भी। उसके बाद आपको फिर से पिक्सल ऐप ओपन करना है अपना। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाइए और इमेज साइज को कस्टम से यूट्यूब थंबनेल पे सेट कर दीजिए एंड जो टेक्स्ट है बीच में उसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद प्लस के आइकॉन पर जाके फ्रॉम गैलरी से नोवा लॉन्चर से हमने जो वॉलपेपर बनाया था अपना थंबनेल बनाया था उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसे फुल स्क्रीन पे कर देंगे। इस वॉलपेपर को सेट करने के बाद आप फिर से प्लस के आइकन पर जाके फ्रॉम गैलरी से अभी जो हमने पीएनजी बनाया है उस वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे थोड़ा स्मॉल करके यहाँ पे सेट कर देंगे। एंड उसके बाद आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके टेक्स्ट लाना है और टेक्स्ट में आपको लिखना है हिंदी। हिंदी टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे जाकर इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पे इसे कंट्रोल कर लेंगे और पहले कलर को ब्लैक कर दीजिएगा एंड उसके बाद साइज़ पे जाके इसका साइज़ बड़ा घटा कर लेना जो आपको अच्छा लगे वो साइज़ कर लेना। उसके बाद फॉन्ट में जाके जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद आपको फिर प्लस के आइकॉन पर जाना है और टेक्स्ट पे जाना है और एक और टेक्स्ट को यहाँ पे ले आना है एंड इस वाले टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हैं। जो भी आपने वीडियो में किया है वो इस टेक्स्ट में लिख दीजिए। जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैंने देखे लिख लिया है। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे एंड इसे भी यहाँ पे सेट कर देंगे एंड सेट करने के बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाऊँगा और आपको जो फॉन्ट सिलेक्ट करना हो आप कर लीजिएगा। मैं भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसे गैलरी में सेव कर लीजिए। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।